चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पौंडीचेरी, गुजरात, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मेघालय स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स की भी सीट रिजर्व हैं, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि MCC के ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC, एम्स, जिपमर और डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने हैं। तो कल यानी कि 24 नवंबर को OBC EWS के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और ये माना जा रहा है कि इसके डिसीजन के बाद ही UG और PG की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है कल इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट, आयुष, वेटनरी की अलग अलग बुक हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी है जो आप जानना चाहते हैं। इसमें सीट मैट्रिक, ट्यूशन फीस और इसमें कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसमें टॉप से लोवेस्ट के क्रम में भी कॉलेज दिखाई गई है, तो मैं सोचता हूँ ये आपके लिए बेहतर साबित होगी। अब हम बात करते हैं मेघालय स्टेट के बारे में। तो मेघालय स्टेट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 50 सीट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलोंग में है ये, और इसमें 50 सीट्स हैं। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन भेजना है। आप इन स्टेट्स से आते हैं तो यानी कि आपको 14 दिसंबर 2021 तक ये एप्लीकेशन इनके ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए। लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर है। इसके बाद 17 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, बाकी की फर्स्ट और आगे की जो काउंसलिंग होगी उसके बाद में बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी डेट को काउंसलिंग होगी। अब इसमें जो 50 सीट्स हैं उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है कि इसमें 8 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहती हैं। इसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश के लिए 4 सीट हैं, मेघालय के लिए 9 सीट हैं, मिजोरम के लिए 3 सीट्स हैं, नागालैंड के लिए 8 सीट हैं। इसके अलावा इसमें 18 सीट नॉर्थ स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। नॉर्थ स्टेट में ये जो 4 स्टेट तो ये आ गए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसके अलावा सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, तो ये टोटल 8 स्टेट के लिए 18 सीटें ये हैं, ओपन हैं ये 18 सीटें इन 8 स्टेट के लिए। ये 8 स्टेट में फिर से बता देता हूँ, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के लिए तो ये सीट रिजर्व हैं ही। इसके अलावा इन स्टेट के कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट की जो 18 सीटें ओपन हैं इनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन 4 के अलावा जो बाकी 4 स्टेट हैं, सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर, इन स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी ये 18 सीट्स में ये एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से ये 50 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। और इसमें जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 8 स्टेट के लिए, तो वहाँ के जो 8 स्टेट हैं वहाँ के वो परमानेंट निवासी होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन दी गई है इसमें। बाकी नीट वाली कंडीशन है ही इसमें सारी की सारी। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। और इसकी जो चालान है वो चालान आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो 500 रुपीज़ का चालान है। इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ इंक्लोज करके आप भेज सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यही होगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन दिया जाएगा। अब इसमें हम फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस का भी इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। टोटल ईयरली फीस इसमें 47,600 रुपीज़ है इस कॉलेज के लिए फीस। तो ये नॉर्थ स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, 8 स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें सीट रिजर्व हैं, तो वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
तो ये एक मेघालय स्टेट का अपडेट था। बाकी जैसे जैसे स्टेट्स के अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक 6 स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने सभी का सेपरेट वीडियो बना दिया है कौन कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। इन 6 स्टेट में केरला स्टेट भी शामिल है जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन अभी आपको रिजल्ट यानी कि रैंक और मार्क्स इसमें सबमिट करने हैं। तो जैसे जैसे बाकी स्टेट्स की अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और ऑल इंडिया कोटा की जैसे ही ये शेड्यूल आ जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।